So, very good morning students. Today is 5th June 2020 and we will discuss about the inward flow reaction turbine working, means उसका force determine करेंगे, उसके ऊपर क्या velocity है, क्या force है, what are the velocity triangle and we will define the efficiency. All of that we will discuss in this class. पिछला क्लास में मैंने दिखाया था फ्रांसिस टर्बाइन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल. मैंने बोला था कि फ्रांसिस टर्बाइन का जो इनलेट होगा वो मेरा रेडियल होगा और जो आउटलेट होगा वो मेरा एक्सियल होगा. और आउटलेट होगा उसमें हम लोग एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज करेंगे, क्योंकि जो फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट अगर वो हैवी स्पीड फ्लूइड को अगर हम टेलरेस में स्टोर करेंगे तो वो टेलरेस का इफेक्ट आ सकता है, टेलरेस में प्रॉब्लम आ सकता है. तो टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम we will use draft tube जिसका bearing diameter होगा small to largest होगा, जिसके जितना diameter बढ़ेगा area उतना बढ़ेगा और जितना area बढ़ेगा उतना उसका fluid का velocity घटेगा, discharge fluid का velocity घट जाएगा और less kinetic energy का fluid tail store में जाके आराम से वो store हो सकता है, ठीक है, जिसमें tailless का भी कोई problem नहीं आ सकता है. तो ये Francis turbine में inlet radial होगा, outlet axial होगा, but this is called mixed flow turbine because radial inlet axial outlet, that's why it is called mixed flow turbine. But J.B. Francis, जिसने ये Francis turbine को discover किया था 1894 में I think, तो 1894 साल में जो J.B. Francis, who is the American engineer, जो ये Francis turbine को आविष्कार किया था, उनका जो Francis turbine था, वो Francis turbine का inlet भी था radial और outlet भी था मेरा रेडियल, राइट. और इसको हम लोग इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन बोलते हैं. तो जेबी फ्रांसिस ने जो अमेरिकन इंजीनियर है 1894 साल में जो फ्रांसिस टर्बाइन का डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था ये फ्रांसिस टर्बाइन जिसका इनलेट है मेरा रेडियल, आउटलेट भी है मेरा रेडियल. और मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन में क्या हुआ, इनलेट हो मेरा रेडियल और आउटलेट था मेरा एक्सियल. तो मैं अभी ये पार्ट को अभी भूल के मैं अभी फिलहाल इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का, जैसे पेल्टन टर्बाइन के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करके उसका फोर्स डायग्राम ड्रॉ किए थे, उसका वेलोसिटी निकाले थे, उसका फोर्स निकाले थे, उसका वर्क डन पावर एफिशिएंसी निकाले थे, तो हम लोग इसके लिए भी वही करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक टर्बाइन का ब्लेड्स का रेट मतलब क्या बोलते हैं सीरीज ऑफ रेडियल कर्व वेन्स यहाँ पे लगा हुआ है. जैसे हम लोग मैं तुम लोगों को पहले ही दिखाया था, ये जो मेरा फ्रांसिस टर्बाइन है, ये जो मेरा रनर पार्ट है, ये रनर पार्ट में जो देखो ब्लेड्स जो है वो ब्लेड्स एक सीरीज में लगा हुआ है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, ये 8 को ब्लेड ये रनर के अंदर रेडियली सीरीज में कनेक्ट हुआ है. तो यहाँ पे भी वही देखो रनर में रेडियली सीरीज में मैंने तीनों ब्लेड को रखा हुआ और एक ब्लेड के ऊपर फ्लूइड का किस तरीके का फोर्स काम करता है वो हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रनर का जो सेंटर है, ये जो मेरा रनर का सेंटर है, थोड़ा ध्यान देना, ओके, ये जो मेरा रनर का जो सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, ये दिस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओ पॉइंट बोल रहे हैं, राइट, ओ पॉइंट बोल रहे हैं, ये मेरा रनर का सेंटर पॉइंट है. तो यहां से लेकर जहां पे ब्लेड्स का इनिशियल है, राइट, जहां पे ब्लेड का इनिशियल है, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज आर टू. और जहां पे ब्लेड्स का फाइनल है, मतलब जहां पे ब्लेड्स का एंड होता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं आर वन. सो आर वन एंड आर टू, R1 equals to radius of wheel at inlet of the vane, R1 equals to radius of wheel at inlet of the vane, and R2 is equal to radius of wheel at outlet of the vane. क्योंकि fluid जब inlet करेगा, fluid यहाँ से inlet करेगा, यहाँ पे inlet करने के बाद फिर वो यहाँ तक आएगा और उसके बाद axially जाके discharge हो जाएगा, right? उसके बाद वो axially discharge हो जाएगा. तो ये radius of wheel at inlet of the vane and radius of wheel at outlet of the vane. यहाँ पे मैंने दिखाया था R1 क्या है और R2 क्या है. ये मेरा है R1. एक सेकेंड, यस, ये मेरा है R1 और ये मेरा है R2. R1 and R2. ओके. अब मैं आऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है रेडियल कर्व वेन्स में.
देखो जब भी मेरा ये रनर रोटेट करना शुरू करेगा, जब भी मेरा ये रनर रोटेट करना शुरू करेगा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हर एक ब्लेड पे एक एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगा, राइट एक एंगुलर स्पीड गेन करेगा। जब भी मेरा फ्लूइड यहाँ से एंट्री करने के बाद गाइड वेन के द्वारा, देखो गाइड वेन यहाँ पे मूव कर रहा है, गाइड वेन के द्वारा, राइट गाइड वेन के द्वारा ये फ्लूइड जब रनर का ब्लेड में जाके स्ट्राइक करता है उस टाइम रनर का ब्लेड हर एक ब्लेड्स को एक एंगुलर वेलोसिटी गेन करता है, वो रनर का ब्लेड एंगुलर वेलोसिटी, राइट ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील। तो एंगुलर वेलोसिटी गेन करता है जिसके वजह से जो मेरा u1 है इनिशियल ब्लेड वेलोसिटी उस वो हम लोग क्या कर सकते हैं ओमेगा इनटू r1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू रेडियस। रेडियस मतलब ये सेंटर पॉइंट से कौन सा रेडियस में वो ब्लेड रोटेट कर रहा है। देखो जब ये रोटेट करेगा तो हर एक ब्लेड का नीचे वाला पोर्शन r2 रेडियस में रोटेट करेगा और हर एक ब्लेड का ऊपर वाला पोर्शन r1 रेडियस में रोटेट करेगा। तो हर एक ब्लेड का इनिशियल वेलोसिटी u1 equals to omega into r1 होगा और जो u2 है जो मेरा फाइनल वेलोसिटी है ब्लेड का वो मेरा ओमेगा into r2 होगा। तो इन दिस केस u1 एंड u2 आर नॉट इक्वल, दैट इज बेसिकली अनइक्वल बिकॉज r1 एंड r2 इज नॉट इक्वल। सो u1 equals to omega into r1 एंड u2 equals to omega into r2, राइट। So now, what is the mass of water striking per second for a series of wave? देखो impact of jet में हर जगह में हम लोग को mass of water, कितना mass of water, water मेरा strike कर रहा है, वो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो mass of water striking per second for a series of vanes equals to क्या आना चाहिए, rho into area into v1, right? Rho into a into v1, rho is the density of the water, a is equal to area and v1 is equal to velocity, v1 is equal to actual velocity, here it is the actual velocity, its flow velocity, relative velocity, u1, vw1 which is wall velocity, outlet triangle में vf2, v2, vr2, vf2 flow velocity, v2 actual outlet velocity, vr2 relative velocity outlet triangle में, u2 outlet and blades velocity at outlet, vw2 wall velocity, r1 is equal to the radius, r2 is equal to the radius, inlet radius and outlet radius and inlet radius, r2 is the outlet of the vane, so our outlet radius and inlet radius हुआ, और नेक्स्ट थीटा थीटा अल्फा बीटा एंड फाइ व्हिच आर द एंगल व्हिच इज क्रिएट बाय द वेलोसिटी विद द एक्स एक्सिस इन द इनलेट एंड आउटलेट। सो मास ऑफ द स्ट्राइकिंग मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड फॉर अ सीरीज ऑफ वेन कितना हुआ, रो ए वी1 हुआ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम मतलब है कि जो मास इनटू वेलोसिटी, राइट ये मैंने जाना था जाना हो कि मोमेंटम इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते मास इनटू वेलोसिटी। ओके मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू द मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ मास मोमेंटम ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ द वेन्स इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि ये रेडियली जा रहा है, रेडियली इसका इनलेट है, तो टेंजेंशियल मतलब क्या है, अगर ये मेरा सर्कल है तो इसका टेंजेंशियल होगा ये वाला पार्ट। देखो यहाँ पे एक मैंने लाइन खींचा, इधर में भी एक मैंने लाइन दिया हो, राइट समझाने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्ट को मैं साफ कर दे रहा हूं, तो जब मेरा फ्लूइड इस तरीके का जाएगा तो ऑब्वियसली इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा क्योंकि वो रेडियली जा रहा है, वो फ्लूइड वो जा रहा है मेरा बेसिकली रेडियली, इसका इनलेट हो रहा है और अगर रेडियली आउटलेट होगा तो वो फ्रांसिस टर्बाइन, एक्सियली आउटलेट होगा तो वो मिक्स फ्लो टर्बाइन मींस मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन होता है। तो ये मेरा रेडियली होता है तो इसका एक टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा,
तो मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द विंग्स, मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द विंग्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है रो ए वी वन जो मैंने पहले निकाला हो, इनटू कितना होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है देखो एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में या तो ये डायरेक्शन में, क्योंकि रेडियल ही जा रहा है तो मुझे रेडियल डायरेक्शन निकालना पड़ेगा ना, फ्लूइड कैसे स्ट्राइक कर रहा है, टेंजेंशियल स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड जा रहा है ये फ्लूइड कैसे स्ट्राइक कर रहा है, देखो ये मेरा गाइड वेन है, गाइड वेन से जाके इस दंग से स्ट्राइक कर रहा है, ध्यान देना मैं और एक बार दिखा रहा हूँ, गाइड वेन है, गाइड वेन जाके इस दंग से स्ट्राइक कर रहा है, one second, yeah. गाइड वेन से जाके इस ए वाला में स्ट्राइक कर रहा है, और एक बार दिखा रहा हूँ गाइड वेन से जाके इस डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है, मींस वो टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है, जब वो टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका एक्स एक्सिस बराबर, इसका एक्स एक्सिस बराबर, यहाँ पे एक्स एक्सिस बराबर ऑब्वियसली उसका एक कंपोनेंट रहेगा, तो यहाँ पे वी आर वन जो है, सॉरी मैंने एक चीज गलत किया था, यहाँ पे ये वी आर वन है और यहाँ पे ये वी वन है, ठीक है, तो वी वन इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लूइड जा रहा है, तो ये मेरा वी वन है, ध्यान देना ये जो मेरा है ये मेरा वी वन है, या तो ये जो मेरा है ये मेरा वी वन है जो मेरा टेंजेंशियली ब्लेड पे स्ट्राइक कर, रनर ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी रहेगा, ये अगर टेंजेंशियली अगर इस दिशा से स्ट्राइक कर रहा है तो इसका एक्स डायरेक्शन में अब वेलोसिटी रहेगा, तो एक्स डायरेक्शन में जब वेलोसिटी रहेगा तो वी वन कॉस अल्फा होगा, क्योंकि वी वन इसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है, वी वन इसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है, ये मेरा वी वन है, v1 इसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा v1 cos अल्फा, अब v देखो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल, इनलेट ट्रायंगल, मैं बोल सकता हूं vw1 equals to v1 cos अल्फा, देखो v1 ये मेरा v1 है जिसके साथ एंगल करता है वो मेरा cos बनता है, तो v1 अगर अभी इस डायरेक्शन में है और उसको अगर मैं इस डायरेक्शन में करता हूं तो ये मेरा vw1 के साथ इक्वल बन जाता है v1 cos अल्फा, तो मैं क्या लिख रहा हूं रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन, ओके रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन, तो मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द विंग्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सा में है, इनलेट में हुआ है, इनलेट में मेरा कितना हुआ टेंजेंशियल डायरेक्शन एट इनलेट, राइट एट इनलेट, सो रो वी वी वन इंटू वी वन कॉस अल्फा, रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन मैंने बनाया, अब सेम चीज मोमेंटम, सॉरी सेम चीज मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स, वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन एट आउटलेट, टेंजेंशियल डायरेक्शन एट आउटलेट, इनलेट के लिए मैंने बना लिया तो आउटलेट के लिए क्या होगा, आउटलेट के लिए होगा रो ए वी वन इनटू आउटलेट मेरा यहाँ पे वी टू मेरा कहाँ है, वी टू मेरा ये बीच वाला है, तो वी टू को मुझे टेंजेंशियल डायरेक्शन, देखो ये मेरा अगर वी टू है ठीक है तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन मेरा क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये मेरा अगर वी टू है तो इसको एक डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ये मेरा अगर v2 है तो इसको x डायरेक्शन में करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये मेरा v2 है तो इसको x डायरेक्शन में करेंगे, तो मेरे v2 का डायरेक्शन अभी ऐसा है तो इसको अगर ये मेरा x डायरेक्शन है राइट, इसको अगर मैं इस डायरेक्शन बराबर कराऊंगा तो ये मैं जानता हूं कि ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है, जैसे v1 cos अल्फा का डायरेक्शन मेरा क्या था, ऐसा था, इस डायरेक्शन में था, सॉरी ऐसा था, इसको मैंने एक डायरेक्शन में बनाया तो ये मेरा पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा मैंने क्या किया पॉजिटिव लिखा v1 cos अल्फा, जब ये इस डायरेक्शन में रहेगा तो इसका एक डायरेक्शन करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा वो राइट, और ये मेरा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस वी टू कॉस बीटा लिखूंगा, माइनस वी टू कॉस बीटा, और मैं जानता हूं v2 cos beta is equal to क्या है according to the diagram, v2 cos beta is equal to देखो v2 cos beta is equal to होता है vw2, तो यहां पे मैं लिखूंगा vw2, तो यहां पे मेरा मैं क्या लिखूंगा rho a v1
इनटू माइनस ऑफ VW2। तो ये मेरा मोमेंटम निकल गया, मोमेंटम ऑफ वाटर, क्योंकि इसलिए मैं एंगुलर वेलोसिटी को मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे रेडियल सीरीज ऑफ वेन्स यहाँ पे अटैच हुआ है और यहाँ पे वेन में स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ पे जो रनर है इसके साथ जो रनर का जो ब्लेड अटैच हुआ है वो रनर इस डायरेक्शन रोटेट करेगा जिसकी वजह से एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। एंगुलर वेलोसिटी ना मिलने से ये रनर रोटेट कैसे करता, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ा है और यहाँ पे मैंने मोमेंटम ऑलरेडी निकाल चुका हूं। अब मुझे अगर मोमेंटम निकल गया है मेरा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इनलेट में या आउटलेट में। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, मैं क्या जानू, मैं जानता हूं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू जो वेलोसिटी इन जो मेरा मोमेंटम है मोमेंटम इनटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं, देखो अगर मेरे पास वेलोसिटी रहता v इज इक्वल टू, मैं जानता हूं ओमेगा, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू मेरा, ओमेगा इज इक्वल टू मेरा vr। ओके सो v इक्वल्स टू ओमेगा, v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। तो मैंने क्या कर रहा हूं, अगर मेरा वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r होता है, राइट, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होगा, देखो ये एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो दिखा रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होगा एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मेरा जो मोमेंटम है दैट मोमेंटम, मोमेंटम एट इनलेट एमएटी मैट मोमेंटम एट इनलेट MAI, momentum at inlet into radius, right? The inlet में radius कितना है? Inlet का radius मेरा R1 है. Angular momentum at outlet, MAO, angular momentum at outlet, momentum at outlet into R2, angular momentum at outlet, momentum at outlet into R2. So momentum at inlet का value कितना है? Rho A V1 into रो ए बी वन इंटू वी डब्ल्यू वन इंटू आर वन और इधर कितना है रो ए बी वन इंटू वी डब्ल्यू टू इंटू आर टू, आगे माइनस है, यहाँ पे आगे माइनस है, राइट, माइनस वी डब्ल्यू टू है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए बी वन इंटू वी डब्ल्यू टू। तो यहाँ पे मैंने देखो एंगुलर मोमेंटम मैंने निकाल लिया हूं, अब मेरा क्या काम है, अब मुझे काम, मेरा काम है कि मुझे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने का एक फॉर्मूला है कि टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले मास निकाला, मास निकालने के बाद मैंने मोमेंटम निकाला, मास इनटू वेलोसिटी, उसके बाद मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाला, तो मास मोमेंटम इनटू रेडियस, मोमेंटम इनटू रेडियस। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना अभी, तो टॉर्क मैं कैसे निकालूंगा, टॉर्क ऑन द टॉर्क एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द व्हील, राइट, क्योंकि कोई भी व्हील को जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो मुझे टॉर्क का जरूरत पड़ता है। सो टॉर्क ऑन द व्हील इक्वल्स टू, टॉर्क ऑन व्हील इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का रेट क्या है, ये तो मेरा माइनस होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, रो ए बी वन वी डब्ल्यू वन इंटू आर वन माइनस ऑफ रो ए बी वन वी डब्ल्यू टू आर टू। ये मेरा हो गया एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क का फॉर्मूला से मुझे क्या मिला, रो ए बी वन मेरा कॉपी आई मीन कॉमन आएगा, रो ए बी वन कॉमन आएगा तो मेरा क्या रहेगा, वी डब्ल्यू वन आर वन प्लस वी डब्ल्यू टू आर टू, VW1R1 plus VW2R2। अब मुझे मेरा टॉर्क मुझे मिल गया है, अब वर्क डन मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने पहले मास निकाले, उसके बाद मोमेंटम निकाले, फिर एंगुलर मोमेंटम निकाले, फिर टॉर्क निकाले, फिर टॉर्क के बाद मैंने क्या करूंगा, मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क का वैल्यू क्या है, रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन
इंटू आर वन प्लस बीडब्ल्यू टू इंटू आर टू। देखो ये सिमिलर है, हम लोग पेल्टन टर्बाइन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स के साथ हम लोग वाटर निकालने के टाइम फोर्स के साथ हम लोग ब्लेक वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मोमेंटम निकाले, मोमेंटम के बाद एंगुलर मोमेंटम निकाले, फोर्स के बदले में मैंने टॉर्क निकाला हूँ। वहां पे पेल्टन टर्बाइन का एक ब्लेड के ऊपर फोर्स दिखाया गया रहा था, लेकिन यहाँ पे वो टॉर्क दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लेड के रनर के अंदर ही वो ब्लेड फिक्स्ड है। देखो रनर में ही वो ब्लेड फिक्स्ड है, तो एक ब्लेड में ब्लेड का फोर्स को अगर मैं दिखाऊंगा तो वो मेरा एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल फोर्स, मुझे एक्चुअल वर्क डन मेरा नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मुझे रनर के अंदर ये रनर वाला जो ब्लेड फिक्स्ड है, तो इसके लिए मुझे होल रनर के ऊपर कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है वो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो टॉर्क ऑन व्हील मैंने क्या किया, मेरा जो टोटल दोनों फोर्स का, दोनों एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस है वो मैंने बना लिया हो। उसके बाद वर्क डन मतलब टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मेरा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी मेरा है T into omega. So rho A V1 into V W1 R1 omega plus V W2 R2 omega. Right? V W1 R1 omega plus V W2 R2 omega. Okay. So rho A V1 into R1 into omega. Omega into R1 मतलब मुझे क्या बोले? U1. मैं पहले ही दिखाया था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि U1 equals to omega into R1 plus V W2 into U2. तो ये मेरा निकल गया वर्क डन रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू। ओके, अब वर्क डन मेरा ये निकल गया है। अब बीटा अगर मेरा पॉजिटिव होता, ये तो मेरा वर्क डन निकला जब मेरा बीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब बीटा लेस देन 90। जब मेरा बीटा ग्रेटर देन 90 होगा, जब मेरा बीटा ग्रेटर देन 90, ये मेरा ये जो फॉर्मूला निकला है ये मेरा एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला निकला है। जब मेरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा मतलब बीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या होगा, ये मेरा बेसिकली माइनस हो जाता है। तो मैं अगर मुझे अगर फ्रांसिस इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का वर्क डन निकालने बोलता है, तो मैं वर्क डन इक्वल्स टू लिखूंगा रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन आर वन प्लस सॉरी वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू। ओके, वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस VW2 U2, ये मैं लिखूंगा। ठीक, तो मेरे वर्क डन मुझे मिल गया है। अब आ रहा है ये मेरा जो निकल गया वर्क डन, ये मेरा निकला इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रांसिस टर्बाइन देख रहा हूं। ठीक है, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन मतलब क्या है कि द फ्लूइड विल बी फ्लूइड इनलेट में रेडियली स्ट्राइक करेगा, फ्लूइड यहां से घुसेगा इनलेट में रेडियली स्ट्राइक करेगा और एक्सियल डिस्चार्ज करेगा, दैट इज इनवर्ड फ्लो रेडियल, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। बट हम लोगों को फ्रांसिस टर्बाइन के लिए करना पड़ रहा है। फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होता है कि जो इनलेट होता है वो भी मेरा रेडियल होता है, आउटलेट होता है वो भी मेरा रेडियल होता है। तो इसीलिए उसका फ्रांसिस टर्बाइन के केस में क्या होता है, फ्रांसिस टर्बाइन के केस में, टर्बाइन के केस में बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो डायग्राम ये चेंजेस हो जाता है। कैसे चेंजेस होता है, ये जो मेरा बीटा है, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, ये जो मेरा बीटा है, ये बीटा मेरा 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और बीटा जब मेरा 0 डिग्री में कन्वर्ट होता है तब जो मेरा इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। एक सेकेंड, जब बीटा मेरा 0 डिग्री होता है तब यहां से VW2 का वैल्यू भी 0 हो जाता है, VW2 का वैल्यू भी 0 हो जाता है, ये मेरा V2 equals to VF2 बन जाता है। ठीक है, जब मेरा बीटा का वैल्यू 0 होगा उस टाइम डायग्राम में चेंजेस ऐसा होगा, VW2 का वैल्यू, बीटा जब 0 हो जाएगा VW2 का वैल्यू 0 हो जाएगा और V2 is equal to VF2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन के लिए बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो VW2 0 डिग्री होगा, सो V2 इक्वल्स टू VF2 होगा और V2 इक्वल्स टू VF2 होगा। इसका मतलब ये VW2 अगर 0 होगा मतलब ये टोटल जो लाइन जो पहले U2 एंड VW2 था वो होल वेलोसिटी वो मेरा ब्लेड वेलोसिटी आउटलेट ब्लेड वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा, दैट इज माय U2। तो यहाँ पे मेरा वर्क डन अगर VW2 मेरा 0 हो जाएगा तो फ्रांसिस टर्बाइन के लिए मेरा वर्क डन क्या होगा, थोड़ा ध्यान देते हैं अभी। फ्रांसिस टर्बाइन के लिए मेरा वर्क डन हो जाएगा द
W into D work done equals to rho A V1 into VW1 U1, right? क्योंकि VW2 तो मेरा जीरो है, तो फिर मेरा next वाला जो term, ये पूरा terms मेरा जीरो हो जाएगा, तो rho A V1 into VW1 U1. अब मुझे अगर इसका efficiency निकालना है, तो efficiency निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? Eta hydraulic equals to work done is equal work done, that is my output divided by input. Input equals to क्या है? Water power, that is rho into G into Q into H. Right? So work done equals work done का फॉर्मूला क्या है? Rho A V1 into VW1 U1 divided by rho into G, rho into G into Q into H. ये वाला जो टर्म्स है ये मेरा Q है, right? ये वाला जो टर्म्स है ये मेरा Q है, ये भी मेरा Q है, Q और ये मेरा कट जाएगा, rho मेरा कट जाएगा, तो मेरे पास efficiency का टर्म्स क्या आएगा? VW1 U1 divided by G into H, right? तो ये मेरा Francis turbine का efficiency बना, Francis turbine का work done बना, और ये मेरा inward radial flow reaction turbine means modern Francis turbine का work done बना, और इसका अगर मुझे efficiency निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा? ये मेरा अगर plus minus होता है, अगर मुझे इसका efficiency निकालना होगा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे. Eta hydraulic equals to rho A V1 into VW1 U1 plus minus VW2 U2, right? Divided by rho G Q into H. ये V1 मतलब ये discharge है, ये भी discharge कट जाएगा, rho rho कट जाएगा. So VW1 U1 plus minus VW2 U2 divided by G into H. ये हो गया inward flow inward radial flow reaction turbine का efficiency, और ये हो गया Francis turbine का efficiency. इसको हम लोग modern Francis turbine का efficiency बोल सकते हैं, और इसको हम लोग normal Francis turbine का efficiency बोल सकते हैं, जो J.B. Francis ने 1994 में discover किया था. So these are the construction and working principle of Francis turbine and modern Francis turbine. Okay, Francis turbine and modern Francis turbine. ठीक, so ये हो गया मेरा construction working principle of modern Francis turbine or inward radial flow reaction turbine and the efficiency and work done of Francis turbine or जिसका जो discharge जो है वो मेरा radial है. So now I am concluding my class and thank you for attending my class. And if you have any problem, any queries regarding this video lecture, so attend my Zoom class and just ask your doubt in my Zoom class of today. Okay, so thank you everyone for attending my class. Have a nice day, stay home and stay safe. Thank you.